ना देखो मम्मी कितनी अच्छी लग रही है मम्मी, प्लीज ना, मैंने करनी नहीं है इसके साथ शादी, मैंने अपना घर बर्बाद नहीं करना। इधर आओ। हाय। हेलो हेलो, देखो कैसे छोटे कपड़े पहन के आई हूँ यार। पैसे वाले हूँ थोड़ा सा, तो क्या करूँ मैं, आप पैसे वाले हो तो मनाने आया था तुम्हारे पास। नहीं मुझे जरूरत नहीं है आपके पैसे की और ना आपकी सेटिंग की। ये दफा ये यहाँ से बेटा थोड़े पैसे दे दो, मेरे पैसे गुम गए हैं, मैं बड़ी दूर से आई हूँ रोनी से, मेरे कुछ खाने को। मेरे पास 200 रुपए है, आप ये 100 रख लीजिए। ना देखो मम्मी कितनी अच्छी लग रही है मम्मी, प्लीज ना, मैंने करनी नहीं है इसके साथ शादी, मैंने अपना घर बर्बाद नहीं करना। मैंने इसके साथ मम्मी मान जाओ ना भाई, आप कुछ बोल ही नहीं रहे भाई, आप क्या बोल रही है, प्लीज बोल दो ना। मैं क्या बोलूं भाई, एक बार लड़की से मिल लेंगी, अब फोटो में देख के कैसे बता सकती है अच्छी लड़की नहीं है। तो उठ कर चल, मेरे को कहीं नहीं जाना मम्मी, प्लीज मेरे को इस फोटो दिखाई मत, तू मैंने देखनी नहीं फोटो, तेरी शादी करनी नहीं इसके साथ, प्लीज मम्मी मान जाओ ना। किसी मैं अगर लड़की से मेरी शादी नहीं, मैं किसी और लड़की से शादी नहीं। तू अपनी माँ को ऐसी फोटो दिखाएगा, तेरी माँ कैसे तैयार होगी? प्लीज मम्मी नहीं, तो मैंने इस फोटो में ऐसा है क्या, इस फोटो में ऐसा है क्या? इसमें देख इसने कपड़े कैसे पहन रखे हैं, हमारे घरों में ऐसे नहीं चलते हैं, हम संस्कारी हैं, ये ऐसे कपड़े। वो अपने घर में आने के बाद संस्कारी बन जाएगी, लेकिन अभी वो बाहर रहती है तो वो ऐसे कपड़े पहन सकती है। मैं कैसे मान लूं, जो जो शुरू से इस माहौल में पली है वो कभी आके हमारे घर में संस्कार नहीं सीख सकती, जो उसी माहौल में रहेगी वो। ऐसा नहीं है मम्मी, प्लीज ना, मैं वो अपने माहौल में रह के अपने संस्कार सीख लेगी, मैं उसको ऐसा कर दूंगा क्योंकि मुझसे प्यार करता है, वो मेरे से प्यार करती है। नहीं तू चल उठ, मेरे को नहीं करना यहाँ पे, तू घर चल बस। प्लीज मम्मी मान जाओ ना, मैं अपने आप कोई भी माँ बाप तैयार नहीं होगा ऐसे फोटो देख के, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अभी तक तुम मिलवाए हो, मिले हो कभी? मिले हो आंटी जी? नहीं मैं उस लड़की से मिली हूँ। ठीक है, आपका क्या कहना है, बेटा का शादी उदी करवाना है कुछ ऐसा? मैं तो नहीं चाहती, यही जिद कर रहा है करने को, मेरे को देखने में वो अच्छी नहीं लग रही। देखने में अच्छी नहीं लग रही इसलिए आपको पसंद नहीं है, यही बात है ना? बाकी अगर सब चीज अगर नेचर उचर अच्छा होगा तो सब चीज अच्छे शादी करवा सकते हो आप। अगर उसके हमारे घर से ख्यालात मिलते होंगे, गुण अच्छे होंगे, अच्छी संस्कारी होगी तो मैं कर सकती हूँ। तो आप शादी करवा सकती हैं? हाँ, पक्का करवा सकती हूँ। सोच लो आप, जो बात से मुक करना मत आंटी जी। नहीं तब कर सकती हूँ, नहीं तो अगर उसके व्यवहार अच्छा नहीं होगा, कोई संस्कार अच्छे नहीं होगा तो नहीं। उसका व्यवहार बहुत अच्छा, उसका व्यवहार बहुत अच्छा, मैं इसके बात की गारंटी लेता हूँ, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। भाई देख एक चीज मैं बताता हूँ, लड़की को माँ से कभी मिलवाया? नहीं कभी नहीं मिलवाया। नहीं एक बार फोन करके यहाँ बुलाओ, ठीक है? जैसे जैसे चीजें समझाता हूँ वैसे वैसे चीजें आगे बढ़ना, ठीक है? दोस्तों देखो भाई, मुझे ना ये चीजें समझ में नहीं आ रहा था, ये भाई साहब आए थे मेरे पास हेल्प लेने के लिए, और हेल्प क्या लेने के लिए, मुझे मेरी माँ को कन्विंस कर दो भैया कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। और फोटो ऐसा दिखा रहा, अगर मैं फोटो आपको दिखाऊंगा ना भाई, सच बताएं वो फोटो देख के सच में आंटी जी कोई भी इनकार कर दें। सही बात है, वो फोटो ही देखने में फोटो ही इतनी शर्म आ रही है देख के। भाई देखो सिंपल बात है, आज करेंगे हम लॉयल्टी टेस्ट, समझे भाई? ठीक है भैया। आज करेंगे लॉयल्टी टेस्ट, और लॉयल्टी टेस्ट कुछ एक अलग अंदाज का होने वाला है, कैसे होगा क्या नहीं होगा सारा चीज मैं आपको दिखाऊंगा। एक काम कर बस, मम्मी को वो लड़की तैयार नहीं, एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है? मगर लॉयल्टी टेस्ट में अगर लड़की पास हो जाती है आंटी जी, अगर सब वो परीक्षा में पास हो जाती है तो मैं बोलूंगा फिर लड़की बढ़िया है, फिर आप करवा देना शादी। हाँ फिर मैं करवा, मेरे पे भरोसा है ना? हाँ जी तुम भरोसा है आप पर, है ना? हाँ। जब मेरा वीडियोस देखते हो मेरा, जब चीजें जब आप देख रहे हो तो भाई भरोसा तो है मेरे पे। नहीं मेरे को आप पे पूरा भरोसा। ठीक है आंटी जी, तो मैं एक लॉयल्टी टेस्ट करूंगा, ठीक है? मतलब उसका एक परीक्षा लूंगा, अगर वो परीक्षा में लड़की सर्वगुण संपन्न अगर बन जाती है तो भाई लड़की पास है, तुम शादी कर सकते हो, मम्मी करवा देगी शादी, ठीक है? आप एक बार फोन करके यहाँ पे लड़की को बुलाओ, और उससे पहले तुम गायब हो जाना, ठीक है? ठीक है। जो भी चीज होगा दोस्तों सारा चीज मैं आपको यहाँ पे अब दिखाने की समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक। इधर आओ। हाय। हेलो। हेलो। बैठो। और कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया। हाँ तुम बताओ। मैं बढ़िया। अच्छा, और मैंने अपने घर में शादी की बात कर ली है अपनी।
क्या बोला फिर आपके घर वालों ने? लगभग लगभग हाँ कर दिया उन्होंने। बाकी तुमने करी अपने घर में बात शादी की? हाँ मैंने की है, बट पहले आपके घर से आ जाए। लगभग लगभग तो हाँ ही है मेरे घर में, बाकी देखते हैं है ना। और बताओ और कुछ खाया सुबह से? नहीं अभी तो नहीं। वैसे कुछ नहीं खाया? नहीं। अच्छा और क्या खाओगे अभी? कुछ भी। मेरे को तो बहुत भूख लग रही है। हाँ मुझे भी लग रही है क्योंकि तुमने मेरे को बहुत वेट कराया है। हाँ मुझे भी लग रही है, आपने अचानक मुझे बुलाया है यहाँ पर। तो फिर मैं जाऊँ फटाक से जाऊँ कुछ? अभी तो आप आए हो वैसे, अभी तो मिले हम अब। प्लीज प्लीज आओ। मैं दो मिनट में गया और दो मिनट में आया, मैं कुछ खाने के लिए क्योंकि बहुत ही भूख लग रही है और आपको भी भूख लग रही है। हाँ। और आपको मैं भूख देख नहीं सकता है ना। हाँ, तो इसलिए तो है। ठीक है बस मैं दो मिनट में गया और दो मिनट में आया। ठीक है जल्दी आना जब तक मैं फोन चलाऊं। नहीं पक्का पक्का बस वेट करो आप। ठीक है ओके। देखो कैसे छोटे कपड़े पहन के आई हुई है, ऐसे लड़के से मैं कैसे शादी करूं? मम्मी लेकिन बहुत अच्छी लड़की है वो। अच्छी लड़की मैं कैसे तेरे कहने से कैसे मान लूं मैं जब तक मैं? आंटी जी अभी कुछ ऐसा बात बात नहीं हुआ है। ठीक है मैं जाता हूं उसके पास, फिर जैसे भी बात होगा जो भी चीजें होगा सारा चीज मैं देखता हूँ, दो तीन तरीके से उसका लॉयल्टी टेस्ट लेंगे। लेकिन जैसे आपने मेरे को बोला मैंने वैसा किया। ठीक है तुमने कर दिया ठीक है आंटी जी। आंटी जी देखिए दो तीन तरीके से उससे बात करेंगे। चलो ठीक है आप बात कर लो। हाँ, मेरे को आप पे विश्वास है। हाँ मैं जाता हूँ दो तीन तरीके से उससे बात करता हूँ। ठीक है मैं अब चलता हूँ। मैं चलता हूँ दोस्तों उसके पास अब प्रैंक करने। बहुत गर्मी है भाई। एक्सक्यूज मी मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? क्यों मन कर रहा था बैठने का। और भी कहीं जगह है वहाँ है आप? हा? कहीं और बैठ सकते हो? क्यों वहाँ भी जगह है कहीं और भी जगह है आपको यहीं क्यों बैठना है? बैठना था खाली जगह था तो और भी तो खाली जगह है। बस बैठ गया और भी जगह है आप वहाँ बैठ सकते हो। अरे वहाँ मतलब कोई और था नहीं ना यहाँ पे आपको बात करने के लिए साथ में। तो आपको मुझसे बात ही क्यों करनी है? मैं आपको नहीं जानती। मत जानो ना आप मेरे को जानते हो ना मैं आपको जानता हूँ। तो फिर धूप लगती होगी आपको? नहीं मुझे नहीं लग रही है धूप। मैं छाया दे दूँ आपको? नहीं कोई जरूरत नहीं है। क्यों और आप यहाँ से जाइए प्लीज। अरे ऐसा मत बोलो जाइए जाइए आप यहाँ से। बैठी हो? नहीं सबके साथ बैठी हूँ जाइए आप यहाँ से। कौन कौन सबके साथ बैठी हो? आप यहाँ से जाइए प्लीज नहीं तो मैं पुलिस को कंप्लेन करूंगी। अरे मैं क्यों जाऊँ थोड़ा सा समझो बात को यार ऐसे मत बोलो। आप हो कौन और ये बदतमीजी? मैं अकेले था सोचा कि तुम अकेले हो तो बात। मुझे जरूरत नहीं आपकी आप जा सकते हैं यहाँ से। कहाँ जाओ? कहीं और जाइए। कहाँ जाओ? कहीं भी जाइए मैं बताऊँ आपको कहाँ जाना है आपको? बता दो तो मैं पुलिस को कंप्लेन कर देती हूँ वो बता देगी आपको आपको कहाँ जाना है। दिखाओ अगर हिम्मत है तो। करके दिखाओ अगर हिम्मत है तो पुलिस कंप्लेन। हाँ मैं अभी करती हूँ आप यहाँ से जाइए ना। क्यों जाऊँ मैं? क्यों तो यहाँ मैं बैठ गलत कर रहा हूँ क्या तुम्हारे साथ? तो आपको यहाँ बैठना ही क्यों है? मुझे नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए। छतरी डाल दूँ? नहीं चाहिए मेरे को छतरी। आप अपनी छतरी वहाँ लेके जाइए अपने साथ। ऐसे मत बोलो वहाँ लेके जाइए यहाँ लेके जाइए। मैं तुम्हारे पास लेके आया था तुम बोली हुई वहाँ लेके जाइए। हाँ तो क्यों आये हो? मैंने बुलाया है। अरे तुम खूबसूरत लग रही थी इसलिए तुम्हारे पास। तो मैंने पूछा आपसे मैं कैसी लग रही हूँ कैसी नहीं लग रही? नहीं पूछा तो नहीं था मगर। तो आप जा रहे हो यहाँ से नहीं जा रहे हो? बहुत देर हो गई आपकी जाइए यहाँ से। सोच लो मतलब थोड़ा सा। हाँ सोच लिया जाइए यहाँ से तुम्हारी मर्जी। आप जा रहे हैं नहीं जा रहे यहाँ से? पैसे वाले हूँ थोड़ा सा। तो क्या करूँ मैं आप पैसे वाले हो तो? बनाने आया था तुम्हारे। नहीं मुझे जरूरत नहीं है आपके पैसे की और ना आपकी सेटिंग की जाइए यहाँ से। सेटिंग तो बन सकती है? नहीं बन सकती मैं समझ नहीं आ रहा आपको। अपना छाता उठाइए जाइए यहाँ से। नहीं आ रहा समझ में। आप जा रहे हो यहाँ से नहीं जा रहे हो आप? नहीं जाइए यहाँ से। क्यों सीन क्रिएट कर रहे हो यहाँ से जाइए दफा होइए यहाँ से। भाई सोच लो मैं इतना अच्छा लड़का। मुझे नहीं सोचना। चश्मा उसमें पे। हाँ अच्छा लड़का मैं दिख गया यहाँ कितने अच्छे लड़के हो किस लड़की के साथ बदतमीज कर रहे हो जाइए यहाँ से। चश्मा उसमें पहन के आया था तुम्हारे पास कि तुमसे बात करूंगा तुम हो कि ऐसे। नहीं करनी मेरे को बात आपसे मैं नहीं जानती आपको और मुझे आपसे बात नहीं करनी है। चलो जी पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं।
आंटी जी देखिए अभी हम जाके उससे बात करके आए हैं, ठीक है। हाँ जी। और बात करने में मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा है, मैं नॉर्मल उसे अभी प्रैंक कर रहा था और प्रैंक करने के दौरान बात करने के दौरान ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छी लगी लड़की आपको? अभी तक तो अच्छी लगी आपको? एक और लॉयल्टी टेस्ट करेंगे, इतना में अभी काम नहीं चलेगा। एक और लॉयल्टी टेस्ट करेंगे ठीक है। चलता हूँ, ये कुछ अलग टफ सा होगा। चलिए आंटी जी आइए, मैं आपको समझा तो क्या करना है। कहीं को समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। आप वापस आ गए? अरे मैं बस यूं ही, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, हर जगह ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठा हुआ है, कोई चुम्मा चाटी कर रहा है, कहीं पता नहीं कुछ कुछ कर रहा है। तो आप यहाँ क्यों आ रहे हो? आप कहीं और जाओ ना। मैं बस आ गया था यार, समझ में नहीं। पागल वागल हो क्या थोड़े? समझ नहीं आता है, तुम अकेले बैठी थी? तो अकेले बैठी हो तो क्या, तुम सोचोगी तुमसे बात? आपको बुलाया मैंने? आपको बुलाया या थोड़े मेंटल हो आप? मैं मेंटल कहाँ हूँ यार, मुझे तो लग रहा है आप मेंटल, बार बार आ जाते हो, कोई मना करता है तो समझ नहीं आता आपको। कहाँ मैं समझू, क्या समझू, आप बताओ। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम अच्छी लग रही हो देखने में अकेले। मुझे नहीं करनी आपसे बात, मुझे नहीं करनी आपसे बात, पागल बंदा है। चलो मैं इधर घूम गया, और कुछ? आप यहाँ से जाओ ना। मैं इधर घूम गया, और कुछ? और कुछ क्या, यहाँ से जाओ। मैं क्या नहीं जाऊँ? मैं नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाओगे आप? क्यों नहीं जाओगे आप? मैं क्यों जाऊँ, मैं यहीं पे बैठूंगा, यहीं पे रहूंगा। तो ये साइको की तरह यहाँ बिहेव मत करो, जाओ यहाँ से। तुम्हारा जमीन है? हाँ है। बताओ, मैं बैठी हूँ ना, यहाँ से निकलो, यहाँ से। मैं ना निकलने को बोलने वाला, मैं ना निकलने वाला। बुला लो पुलिस, पुलिस को जिसको बुला। हाँ मैं बुलाती हूँ पुलिस को, बोल दूंगा। हाँ बहुत बदतमीज आप। मैं क्या बदतमीजी कर रहा हूँ? ऐसी लड़की को छेड़ रहे हो? मैं कुछ ना छेड़ रहा हूँ। तो आप कहीं और क्यों नहीं जाते, बार बार यहीं क्यों आ जाते आप? अकेले बैठी थे तो सोचे कि तुमसे बात करूं। तो मुझे जरूरत ही नहीं है आपसे बात करने की। मैं क्यों नहीं बात करने का जरूरत है? मेरे को नहीं चाहिए, यहाँ से जाइए। मैं तो ना जाने वाला। जाइए दफाइए यहाँ से। बेटा थोड़े पैसे दे दो, मेरे पैसे गुम गए हैं, मैं बड़ी दूर से आई हूँ रोनी से, मेरे कुछ खाने को थोड़े पैसे जाने। आप पहले इधर बैठिए, आइए आइए इधर बैठिए। पैसे दे दो थोड़े से मेरे को, मैं चली जाऊँ, कुछ खा भी लूँगी, कुछ कराया। आंटी मेरे पास 200 रुपए है, आप ये 100 रख लीजिए आप, और अगर आप फोन पे वगैरह कुछ चलाते हो तो मैं आपको उस पे कर देती हूँ। मेरे पास वो तो कुछ नहीं है। तो आंटी एक काम कीजिए, आप ये भी रख लीजिए, कोई नहीं, और कोई जरूरत हो तो आप मेरे को बताइए। नहीं बेटा मैं बहुत है, मैं घर पहुँच जाऊँगी, खा भी लूँगी। हाँ। जीती रहे बेटा, भगवान तेरे को खुश रखे। आंटी आप नंगे पैर क्यों घूम रहे हो? ऐसे ही बेटा ले लूंगी मैं चप्पल भी ले। आंटी आप बैठो तो यहाँ पर बैठो। नहीं नहीं मैं अब जाऊंगी, देर हो जाएगी मेरे को, मैं जाना है मेरे को, घर पहुँचना है, कुछ खाऊंगी भी फिर मैं घर जाऊंगी अपने। ठीक है आंटी आप संभाल के जाना, भगवान सदा सुखी रखे, खुश रहो आप। हाँ आप जाइए संभाल के जाना, खुश रहो। ऐसे लोगों को क्यों पैसा दे दी? तो आपके जैसे दो, तुम्हें पता है वो कितने फ्रॉड होते हैं वो लोग? तो आपसे क्या मतलब है? वो पैसा ठग के गई है तुम्हारे से। तो आपसे क्या मतलब है, मैं किसी को भी दूं पैसे? आप होते कौन है मुझे बताने वाले, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे को दिल नहीं दे सकती हो? नहीं क्यों, मेरे में खराबी क्या है? आप बदतमीज हो बहुत ज्यादा, आपको एक चीज समझ नहीं आती है, ऐसे लोग बहुत फ्रॉड होते हैं, तुम्हें पता नहीं है? आप कम हो? हाँ मैं बहुत कम हूँ। जाइए यहाँ से, दफा होइए, अपनी शक्ल मत दिखाइए, कितने बदतमीज हो आप, ये नहीं दिखाई दे रहा आपको? क्या मैं एक लड़की को छेड़ रहे हो? मैं कुछ ना छेड़ रहा हूँ, मैं कुछ नहीं छेड़ बात कर रहा हूँ। तो आप कहीं और जाके बात कीजिए ना, मुझे नहीं करनी आपसे बात, या पागल वागल हो आओ थोड़े। फ्रॉड हो, फ्रॉड लड़के इंसान को ना मदद की हो, तुमसे 200 रुपए ठग के गई है। कोई नहीं, मैंने की है ना मदद, मैंने की है ना, आप जाइए यहाँ से, पछताओगी एक ना एक। कोई नहीं मैं पछताऊंगी ना, आपसे पूछी मैंने। आंटी जी कैसी लड़की बहू? लड़की तो अच्छी है, मैं उससे ऐसे चली गई थी, उसने मेरे को पैसे भी दिए, बड़े अच्छे से बात भी की मेरे को, कहती बैठो कि बहुत अच्छी लड़की है, वो संस्कारी लड़की है, आपका बहुत ख्याल रखेगी। हां चलो बेटा चलो चलते हैं हम, तो चलो ठीक है। अब बेचारे को सरप्राइज देते हैं कि तुम लॉयल्टी टेस्ट में पास हो गई। हां हां ठीक है। करण तुम इस तमीज लड़के के साथ
ये अभी मुझे यहाँ परेशान कर रहा था, बहुत बदतमीज है ये लड़का। तुम हंस रहे हो, मैं तुम्हें कुछ बता रही हूँ, बहुत बदतमीज है लड़का। और आंटी आप, हाँ बेटे, आप खुश रहो, ये आप, तुम्हारे पैसे। ये आंटी किस लिए, तुम हंस क्यों रहे हैं? मैं इसकी मम्मी हूँ। क्या सच में? ये तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे हम, तुम्हारे लॉयल्टी टेस्ट ले रहे थे, तुम ऐसे कपड़े पहनते हो, टेस्ट में पास हो चुकी हो, लड़की अच्छी नहीं होगी। हाँ सच में तुम पास हो चुकी हो लॉयल्टी टेस्ट में, तो आज से तुम मेरी घर की बहू। तो अभी और ये हमारे दादी भैया जिन्होंने हमारी हेल्प करी है। सॉरी एक्चुअली मैं आपको सारा चीज़ें समझाता हूँ। हुआ क्या था, ये आंटी जी को पता ही नहीं है कि तुम जो ऐसे वैसे कपड़े पहन, तुम्हारा नेचर कैसा है सच बताऊँ तो। और ये फोटो जनाब तुम्हारा इससे भी छोटा ड्रेस का दिखा रहा था। अब जो मेरे पास फोटो की वो तो दिखाऊंगा ही मैं। और तो वो अच्छी फोटो में इग्नोर कर रही थी, नहीं भाई मैं इस लड़की का एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तो हम लोगों ने मिल के एक लॉयल्टी टेस्ट लिया तुम्हारे साथ, और वो वो सारा चीज़ हम लोग ना वहाँ पे कैमरा में रिकॉर्ड किए हैं। सर आप लोग सीरियसली? सही है, बहुत अच्छी है। अब तो वो छोड़ा नहीं जा रहा है, पूरा हक कर रही है कब के। हाँ जी दोस्तों, तो कैसा लगा ये वीडियो आपको? आई होप अच्छा लगा हो, क्योंकि कुछ अलग था, कुछ मतलब अलग क्या था, बस इतना समझ में आया कि हाँ लड़की सच में लॉयल है। और ये लॉयल्टी टेस्ट का अंदाज आपको कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ बता देना। देखो मैं जो भी किया हूँ बस ये देखने के लिए किया हूँ कि वो लड़की का नेचर कैसा है, वो लड़की का बिहेवियर कैसा है, चाहे वो आंटी को पागल और भिखारी बनाना हो, चाहे वो मैंने जो फ्लड किया, गंदे गंदे जो शब्द इस्तेमाल किया वो हो, सारा चीज़ एक तरफ रखो, बस ये देखो कि भाई ये सारी हरकतों के कारण उस लड़की का लॉयल्टी पता चल गया, उस लड़की का नेचर पता चल गया कि वो लड़की है कैसी। खैर आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, और मिलते हैं इसी तरीके से कुछ मज़ेदार वीडियो के साथ कभी और।